मेरा गांव मेरा देश के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस खास एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ से ऊपर की तरफ देखो, लोग कितनी ऊंचाई पर रहते हैं, ऊपर भी लोग रहते हैं। देखो पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे घर बनाए गए हैं और इनके पूर्वज भी यहाँ रहते थे और इनकी वर्तमान पीढ़ी भी, इनकी वर्तमान पीढ़ी के कुछ लोग भी वहाँ पे रहते हैं अभी भी। जो मैंने लोगों से बातचीत करी तो उससे पता लगा है कि वहाँ भी लोग अभी भी रहते हैं। अब मुझे सामने की तरफ जाना है, जो सामने घर दिखाई दे रहे हैं, जो दो घर दिखाई दे रहे होंगे और उसके ठीक ऊपर भी एक घर नज़र आ रहा है हल्का हल्का, तो मुझे अब उस तरफ जाना है और यहाँ से काफ़ी दूर है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है दूरी, तो मुझे वहाँ तक पहुँचना है और जंगल के रास्ते ही होते हुए मुझे वहाँ तक जाना है। यहाँ पे भी लोग खेतीबाड़ी कर रहे हैं और ये नीचे जो आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने चुलाई लगाई हुई है, तो यहाँ पे ये चुलाई की फसल है जो नीचे खेतों में नज़र आ रही है, जिसको पहाड़ी भाषा में मार्छा कहते हैं। तो जो चुलाई की फसल है वो ज़्यादातर हाई अल्टीट्यूड में पाई जाती है या इसकी खेती करी जाती है, क्योंकि इस फसल के लिए ठंडा वातावरण चाहिए, क्लाइमेट बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तो उसी वजह से यहाँ के लोग पहले से ही जो है चुलाई की खेती करते आ रहे हैं और वर्तमान पीढ़ी भी इसी फसल को उगाती है। और यहाँ से ऊपर की तरफ नज़ारा देखो, बेहद खूबसूरत और हरे भरे जंगल, चारों तरफ आपको यहाँ पे हरे भरे जंगल नज़र आएंगे। और ये यहाँ पे पुल का निर्माण किया गया है जो कि सामने गांव की तरफ जाने के लिए बनाया गया है। बरसात में यहाँ पे काफ़ी पानी आता है, तो उस वजह से आने जाने में लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो उस वजह से यहाँ पे ये पुल बनाया गया है जो कि गनमंज गांव को जोड़ता है। और पानी की धारा देखो, ये है गदेरा। तो पहाड़ों में ऐसे गदेरे आपको हर जगह कहीं ना कहीं मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत, पानी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से इस पुल का यहाँ पे निर्माण किया गया है कि बच्चों को या इनके पशुओं को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो सामने की तरफ ये है रिगोली गांव का एक भाग जिसका नाम है गनमंज गांव, और यहाँ से नज़ारा देखो गनमंज गांव का, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे बसा हुआ है गनमंज गांव, पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे घने जंगलों के बीच। और सामने की तरफ नज़ारा देखो, बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक। 10-15 मिनट मुझे लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में और मैं पहुँच चुका हूँ गनमंज गांव के कुछ और घरों में। यहाँ से देखो नज़ारा बेहद खूबसूरत, और ये पूरा रिगोली गांव है जो नीचे दिख रहा है, ये पूरा रिगोली गांव है और काफ़ी भागों में विभाजित है रिगोली गांव। सामने की तरफ एक गांव है, फिर बीच में है, फिर ऊपर की तरफ है, दाई तरफ है, सड़क के नीचे है, तो 5-6 भागों में विभाजित है रिगोली गांव और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे बसा हुआ, बेहद ऊंचाई। और बादल देखो पहाड़ों को छूते हुए सामने की तरफ, तो ऊंचाई का अंदाज़ा जो है बादलों से लग जाता है, पर्वतों को छूते हुए बादल। तो मैं अभी काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा हूँ जो कि मैं फील कर सकता हूँ और बेशक आप भी जो है महसूस कर सकते हैं ऊंचाई। मैं पहले घर में पहुंचा हूं जहां पे दीदी जी मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी हैं और ये रहा इनका घर, पुराने मॉडल का घर, और देखो कितनी ऊंचाई पे ये लोग रहते हैं और बिल्कुल घने जंगल के बीच। और यहाँ से नीचे दिख रहा होगा आपको रिगोली गांव, ये पूरा रिगोली गांव है
सड़क के ऊपर, सड़क के नीचे, सामने की तरफ और दाहिनी तरफ पूरा जंगल है। फिर गांव के बीच में इनके सीढ़ीदार खेत भी हैं, जहाँ पे यहाँ के लोग खेतीबाड़ी एक अच्छे स्तर पे करते हैं। तो दीदी जी के पीछे पीछे उनके घर की तरफ चलते हैं और उनसे यहाँ पे बातचीत भी करेंगे, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। और ये है इनका पुराना घर, पुराने मॉडल का घर, जो उत्तराखंड के घरों की पहचान है, उत्तराखंड की पहचान है, या उत्तराखंड के घरों की पहचान है आप कह लो। और यहाँ पे एक दादी जी झांकती हुई नज़र आई, जो लगभग 90 साल से, जिनकी उम्र लगभग 90 साल प्लस है। और इनके चेहरे की मुस्कान देखो आप, लग नहीं रहा है कि ये 90 साल के हैं, लेकिन बेहद खुश मिजाज के हैं। काम काज के तन छोड़ चले लिया है या बाहर गास ले आए तब मुआल गाड़ तो चाहती तो खोल पास से बहुत और के आ खाना कोनो खाना तो पी लो ना जान तो सही में का अच्छे बिल्कुल। अच्छा, और खेतीबाड़ी भी करता है? खेतीबाड़ी करिए तो के का ना जड़ो सुंगर तो पछि खाणो हो ते जड़ो माने ते बोलिया क्या बंदूक है? बंदूक है आ सुंगर सरकार मन है, सरकार मन आ करी सरकार मन आ छ करिया ता मन खान के छ जंगली जानवर नि मानिन ब आ ता जन जंगली जानवर नि माने तो पाऊं छ न ये फोन मत न ओना हाने तो फुल जाना हो जने रात खाने जाना दिन से आने जाना और के फोन हां हैं और के फोन बोण तक जाना है बोण 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 तक की जाना चार खा को आ रे नाच लो ले हैं। अच्छा, दूर जो बोण है? दूर बहुत दूर जो बोण तो और वो बिल्डिंग ने और तक का पानी नीचे का कुछ नीचे भाग भाग है और क्या पानी का चलूंगा पानी हम ना उड़े गाड़ फॉर्म ये फॉर्म आज गाड़ ब्याह पर का बेच के आते हैं। अच्छा, गदरंग लगा पानी है? हां, कौन लोग तुम तो पहाड़ में पहाड़ में कौन कौन लोग तो कौन कौन लोग काम होता था जी कौन जाना है बसा का दे छन लगनी और कचील चोण दुनिया भरो पूरा से गोली न अनास गरे चुप हो जो वाड़ो ये बिने वो के वो तक रड़े रड़े छन जाना तो प्यार में खड़ जो न याद आ उतरे खन ना तब पैसे कमो अरे हम भी आया पर छन वाला वो खेती बाड़ में चोण तो मार खेती बाड़ की से जो खेती बाड़ में दुनिया भरो वन जो अमर पर क्या काम वो तो कति राड़े छ वो छ तो क्या काम तो वो रख दे नहीं था जड़ोर कह रही जमुर उन जो को दूं जो मार अगने अपन हम गोड़ा से आप ही ने बिन उचन उचे वो कर मरिया हम खान लो के कुछ नहीं दे खेती को गनमन से को ना गनमन है ये को नो की गनमन ये को नो गनमन ली छे ये को नो मेड़ गनमन जान मेड़ ना मत की गोचन और वो खड़ी जोंका उतर कल्याणी ताला सेंडन तो बयान दम जी भरते बयान में पहले जमाना जो जी अब जमाना पहले जमाना अब को जमाना होले जे हम राणा छ यही जमाना में जो जे जे जमाना में राणा जो भी जमाना छ पहले नहीं था? हैं पहले नहीं था? पहले कौन था? नाटक हो या तो सारी को बगे दे यो लट मारे थे ये पूछो कर रहा था नाटक ये कर हैं तो मारो आवाज ना आवाज तो आ रहा था पहले बोल के ये मैं इतना बैठ और भीड़ वाली तो बगो ये बोल से हाँ तो ये ऐसा तो है नहीं, अब हम किसी के साथ बैठ जाएंगे क्या है? और क्यों बैठा था?
बाहर में नहीं ताकि लोग घर वापस आओ ना 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 वो के नाम वापस क्या था वो मुश्किल जगह को एक नहीं जरूरत वैक्सीन है फिर वो जात है कोंड को था का आमन तक आ से तो लेवण है जब ऐसे लगवण से का आ से लेवण एक थोड़ी करो नहीं एक के मन करो नहीं नहीं एक वैक्सीन दे दो तो हम लगे थी सोच के एक जंगला बीज ने जंगला बीज को करो ना जंगला बीज में तो बाईड़ा लोग लोग क्या और मन क्यों बीज तू बीमारी ना कोरोना बीमारी तू मन क्यों बीज तू खाने के थोड़ा जंगला बीज को हिमाद पड़ा और तू इनको खाने के तो बुगड़ा।